समिति को अपना समर्थन देने के लिए आया हूं और इनके दो मुद्दे तो ऑलरेडी मेरे भविष्य के एजेंडे में सम्मिलित हैं, बिजली वाला और कुकिंग गैस वाला। और हमने अपने शासनकाल में 2016 में वनाधिकार समितियां बनाने गांव-गांव में वो प्रोसेस प्रारंभ की थी, उसका कैबिनेट नोट बना, कैबिनेट डिसीजन आज भी राज्य सरकार के पास है, लेकिन राज्य सरकार ने उस प्रोसेस को रोक दिया क्योंकि ये बनू में हमारे अधिकार को स्वीकार नहीं करते थे। तो उसको स्वीकार करवाने के लिए जो किशोर जी का संघर्ष है वो अभूतपूर्व संघर्ष है और सारे उत्तराखंड को इस संघर्ष में साथ जुटना चाहिए। रहा सवाल उत्तराखंड को आरक्षण की परिधि में लाने का, उस बात को हमने केंद्र सरकार को 1995 में सहमत करवा दिया था और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बाद सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई गई थी, मुलायम सिंह जी से सहमति भी ले ली गई थी, मगर उस समय लोग राज्य चाहते थे, लोगों ने कहा हम ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि आज के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जब बहुत सारे कदम उठ रहे हैं तो हमको चाहिए कि हम उत्तराखंड को आरक्षण की परिधि में लेने का और पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और एक अच्छा मोड़ है, उसके लिए मैं किशोर जी को, उनके सहयोगियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ।